से आ रही है, जहां सुरक्षा बल और जेजेएमपी उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में लगभग 150 राउंड गोलियां चलने की सूचना मिली है। जेजेएमपी के सब जोनल लवलेश गंजू के दस्ते के साथ मुठभेड़ होने की सूचना है। बताया आपको कि चंदवा थाना क्षेत्र के सेरक रूद जंगल की ये घटना है, जहां पुलिस सर्च अभियान में जुटी थी। जेजेएमपी के सब जोनल लवलेश गंजू के दस्ते के साथ मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। चंदवा थाना क्षेत्र के सेरकरूद जंगल की घटना, जहां जेजेएमपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस सर्च अभियान में जुटी थी, जिस दौरान यह मुठभेड़ हुई है। लातेहार में सुरक्षा बल और जेजेएमपी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। लगभग 150 राउंड गोलियां चलने की भी सूचना है इस दौरान। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लातेहार से सहयोगी विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, खबर की पूरी जानकारी दे, जेजेएमपी के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। हाँ जी रजदा, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह चंदवा थाना क्षेत्र का सेरक पंचायत का रूद जंगल का मामला है, जहां पर जेजेएमपी के नक्सलियों की होने की सूचना पर पुलिस के द्वारा लातेहार एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर एक टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाई गई। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, जेजेएमपी के उग्रवादियों ने उनको पहुंचता देख उन पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई। लगभग मुठभेड़ में 100 से 150 राउंड गोली चलने की सूचना है और पुलिस के द्वारा नक्सलियों को मारने की, कहा जाए तो नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना है, परंतु अभी तक पुलिस का सर्च अभियान समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और पुलिस के द्वारा यह बताया जा रहा है, लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि सर्च अभियान अभी जारी है और जब तक सर्च अभियान समाप्त नहीं होता है तो मुठभेड़ के संबंध में कुछ भी ठोस तौर पर कहना मुश्किल है। जी राजदा, चलिए तो विकास, जिस तरीके से खबर मिल रही है 150 राउंड गोलियां चलने की भी सूचना मिल रही है, सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा और फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि कोई भी जेजेएमपी का उग्रवादी इस दौरान मारा गया है। आपकी जब ताजा अपडेट, आपने जब उनसे बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने? विकास, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, घटना की पुष्टि हुई है। लातेहार एसपी ने बताया कि घटना हुई है, मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों की गोली लगने की भी अंदेशा है। और चूंकि रात का समय है और रात्रि का फायदा उठाकर, अंधेरा का फायदा उठाकर जेजेएमपी के नक्सली शायद जंगल से भागने में सफल रहे हैं, परंतु उनके विरुद्ध पुलिस की अभियान जारी है और सर्च अभियान चलाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, नजर बनाए रखे, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इस दौरान लगभग 150 राउंड गोलियां चलने की भी सूचना मिल रही है, जेजेएमपी के सब जोनल के जो दस्ते हैं उसके साथ ये मुठभेड़ की सूचना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।